और आज चलाएंगे यीशु की गाड़ा गाड़ा क्या यीशु के चाचा गाइस क्राउड दिवाली का क्या लिखा है तू गाड़ी चलाएगा एक बार फिर से बोलते गाइस हैप्पी दिवाली हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम आवर न्यू व्लॉग सो गाइस आज का व्लॉग कर रहा हूँ मैं गाड़ी से स्टार्ट क्योंकि अभी मैं और भाभी जा रहे हैं बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए कान्हा जी की ड्रेस लेनी थी यशु के लिए कुर्ते पजामे लेने थे और थोड़ा बहुत और भी कुछ घर का सामान लेना था तो फटाफट से हम जा रहे हैं अभी निकल रहे हैं घर से तो अभी फटाफट से मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ उस कारण में मिलते हैं आपसे सो गाइस अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और भाभी यशु को सुसु करवा रही है बाहर और हम सभी रेडी है शॉपिंग करने जाने के लिए और ये लोग बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं देखो Yes. तो चलो चलते हैं यशु कपड़े दिला के लाने मेरे कपड़े तो आ गए थे अभी चले यशु चले शॉपिंग करने यशु जा रहा शॉपिंग करने के लिए और आज चलाएंगे यशु की गाड़ा गाड़ा क्या यशु के चाचा गाड़ी गाड़ा निखिल जी के साथ हम डरते हुए जा रहे हैं चल रहे हैं गाड़ी हमारी ना बचने की वो करना मनोकामना कैसी फालतू बातें कर रहे हैं लोग मेरे ड्राइविंग पे शक कर रहे हैं फुल शिफ्ट भाई साहब मैं तो दिल को ऐसे पकड़ के बैठी हुई एक चीज बताओ मैं गलती आप मेरे साथ पहले बैठ चुके ना ये मेरे साथ पहले बैठ चुके फिर भी शक कर रहे मेरे ड्राइविंग पहले बैठ चुके हो इसीलिए दिल को पकड़ के बैठी हो गाइस ज्यादा दूर नहीं हम पास में जा रहे हैं वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सीट बेल्ट हमने लगा रखे है बाकी तो सरकार अपनी सेफ्टी फर्स्ट इनके साथ में देखो पुलिस का पकड़ने का डर नहीं है हमारे को बस सेफ्टी फर्स्ट और गाइस हमें मिल रहा है ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा भी हम हमारे घर से कुछ ही दूरी पे हैं बस बस हमें ये दुआ में पार्किंग मिल जाए जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे क्योंकि तो पार्किंग की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है बहुत भीड़ है ना इसलिए हम पहले लेके नहीं आ रहे थे गाड़ी पहले स्कूटी से आ रहे थे पर इसके 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 कारण लानी पड़ी गाड़ी तो गाइस अभी हम सबसे पहले आए बुआजी का काम करने के लिए बुआजी ने एक काम बोला था वो क्या चूड़े वगैरह लेने थे बुआजी के कुछ सो भाभी अभी वहाँ पे गई हुई है दुकान पे चूड़े की दुकान पे चूड़े लेने के लिए और ये यशु भाई साहब बैठे हैं मेरे पास है यशु कहाँ जा रहा है तू गाइस यशु की हम ड्रेस लेके आ चुके ऑलरेडी बट है ना इसके लिए दिवाली पे कुर्ते पजामे लेके आ रहे हैं स्पेशली तो ये लो भाभी भी आ चुकी है चूड़े लेके बुआजी काम कर दिया भाभी आपने बुआजी का काम हो गया चूड़े लेके आ गए हैं अब हम जाएंगे इस छोटू की ड्रेस लेने के लिए तो गाइस फाइनली हम स्कीम में पहुंच गए और हमें एक पार्किंग मिल गई हमने यहाँ हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और वो भाभी जा रही है और अभी हम यहाँ से पैदल पैदल सर्वाइव करेंगे इसकी ड्रेस के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे डोजी ये रहा डोजी अब हम जाएंगे पैदल पैदल पूरा स्कीम एक्सप्लोर करेंगे चलो आपको दिवाली की वाइब्स भी दिखाते हैं स्कीम की हमारे पास कैसा चल रहा है दिवाली का माहौल गाइस क्राउड दिवाली का खतरनाक है खतरनाक और अभी हम पतली पतली गलियों में जा रहे हैं भाभी गाड़ी ले आते थे यहाँ पे क्या होता गाड़ी ले आते तो हो गया गाइस हम गाड़ी नहीं लेके आए हुए क्राउड चेक करो वाह यार यहाँ पे पार्किंग तो है यार पर ये पार्किंग फुल है अभी हम आए हैं कान्हा जी की ड्रेस लेने के लिए और हमने कान्हा जी की ड्रेस खरीदी है यहाँ से पैक करके ला रहे हैं और ये इसको गर्मी लग रही है बहुत तेज भाभी को भी लग रही है और ये लाइटिंग चालू हो चुकी है देखो कितनी प्यारी है अभी थोड़ा अंधेरा नहीं हुआ ना इसलिए कम दिख रही है बाकी लाइटिंग चालू हो गई पूरी और कान्हा जी की ड्रेस रेडी गाइस कान्हा जी की ड्रेस हमने ले ली है इसे लाइटें बहुत अच्छी लग रही है गाइस क्राउड बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक क्राउड और इस मोटू की ड्रेस नहीं मिल रही गाइस हम यूट्यूबर स्कीम की गलियों में घूमते हुए शॉपिंग करते हुए दिवाली का माहौल देखो चारों तरफ मस्त छाया हुआ है और इसकी ड्रेस हमने ले ली है ओए इधर देख कॉटन तो कॉटन होता है कुछ भी बोले क्या आपको डुप्लीकेट दे दिया गया उसने ये तो ना मैं जैसे हाँ कल पहना लो एक दिन के लिए ड्रेस लेके आया सिर्फ एक दिन के लिए क्या थोड़ी सी देर पहनाएंगे उसके लिए इतना डुला दिया इसकी ड्रेस के चक्कर में बट कोई ना फाइनली मिल गई ड्रेस क्या लेके आए ड्रेस लेके आए तेरे लिए ड्रेस नए कपड़े लेके आए तेरे लिए अभी चलो चलते हैं फटाफट से घर हमारी गाड़ी संभालते हैं हम खड़ी करके आए थे वहाँ पे सो गाइस हम फाइनली गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं पार्किंग जहाँ हमने की थी गाड़ी सही है एकदम सेफ है मस्त अभी लेके चलते हैं हम इसको फटाफट से बाहर फाइनली हमने पार्किंग से गाड़ी निकाल ली है और यशु महाराज बैठ गए सो अभी चलो चलते हैं भाभी को पिक करते हैं भाभी कुछ सामान खरीद रही है वहाँ पे तो चलो गाइस चलते हैं ये हमारी भाभी भाभी प्रसाद ले आई है कल दिवाली के लिए सो अब चलो चले भाभी चलो
गाइस अभी हम रुके हुए हैं, भाभी गई है उस दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए, वो भाभी रंगोली वगैरह बनाएगी ना उसके लिए। बाकी हम शॉपिंग करके आ चुके हैं कान्हा जी की और इस मोटू की, और ये देखो कहाँ के बैठा है मेरे ऊपर। तो गाड़ी चलाएगा? हाँ। गाड़ी चलानी आती तेरे को है? पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो? पुलिस वाले पकड़ लेंगे तब क्या बोलेगा? पुलिस कौन है? पुलिस पुलिस कौन है बता? पुलिस कौन है? अब डांस करके बता दी सबको। चल जब वीडियो बना रहा हूँ, डांस कर डांस कर डांस कर डांस। शुदु किसको डरा रहा है? गाइस को डरा रहा है? ऐसे बोलते गाइस को हैप्पी दिवाली। एक बार फिर से बोलते गाइस हैप्पी दिवाली। गाइस ये बोल तो रहा है खुद के मन के अंदर, बट है ना समझ जा रहा है यार। बोल दी इसने हैप्पी दिवाली। यशु गाइस को ऐसे बोलते लाइक करो। कितने इतरा रहे ये। शॉपिंग करके हम घुस चुके हैं हमारी गली के अंदर, और हमारी गली का माहौल देख लो एक बार। दिवाली का लाइट है, वाइट लग चुकी है पूरी हमारी गली है, देख लो। और ये देखो भाई साहब यहाँ पे इसके कपड़े ढूंढ मिल, कितने मुश्किल से मिले भाभी इसके कपड़े, मुश्किलों से। अरे गाइस हमारी गली का चारों तरफ से माहौल देखो एक बार, खतरनाक। आज लग रही है दिवाली है अभी। हाँ। इतने दिनों से लगी नहीं रहा दिवाली आ रही है, आज लगा है माहौल दिवाली नहीं, का मुझे तो लग रहा था, मुझे तो नहीं लग, बहुत अच्छे से लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था आज लगा है। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, मैंने सारा सामान उतार लिया, गाड़ी कर दी पार्क, अभी चल के घर की लाइटें जलाते हैं। सारी लाइटें तो मैंने दिखाई नहीं, अभी लाइट जलाता हूँ फिर लाइट दिखाता हूँ आपको। गाइस ये लाइटें मैंने ऑन कर दी है सारी, बार चेक कर लेते हैं कौन सी नई जली इनमें से, कई बार तार हिल जाते हैं ना, ये येलो वाली नहीं जली, इसका वायर ये रहा, ये लो गाइस चल गई ना सारी, ऊपर से सारी लाइटें जल चुकी है कम्प्लीट। एक बार चेक करो चारों तरफ का, आज गाइस छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली, और एक बार आज माहौल लग रहा है पूरा दिवाली वाला खतरनाक। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग हो रखी है मस्त, मतलब फोन इतना कैप्चर नहीं कर पाता आपको पता है, बट चारों तरफ लाइटिंग एकदम मस्त हो रही है। अभी मैं भी आपको नीचे चल के हमारे घर की लाइटिंग दिखाता हूँ। गाइस मैं खड़ा हूँ अभी घर के सामने, और मैं दिखाता हूँ हमारे घर का फाइनल लुक, 1 2 3। ये देखो गाइस चेक करो, मैंने डेकोरेशन करी है सारी, इस पोर्शन पे पूरा ब्लू है, इस पे येलो है, और उधर रेड और ग्रीन है, बीच में पिंक भी है, मतलब कि ये ब्लू येलो फिर एक पे पिंक है, और उस पे लास्ट वाले पे रेड है, ग्रीन मतलब कि एक दो लाइट थी, और बाकी बीच में वो डीजे वाली लाइट लगी है जो कि पेड़ों के ऊपर गिर रही है, और मतलब कि है ना एक दो लाइट हमारी ख़राब भी होगी, जैसे मैंने वहाँ पे है ना पट्टा लगा रखा है ऊपर, देखो आपको दिख रहा होगा तो हल्का हल्का ये पट्टा लग रहा है, जो कि है ना यार ये एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। इस हमारी गाड़ी का बर्थडे आके गया, हमने मतलब धनतेरस के दिन गाड़ी ली थी, ये हमारी जो धन्ना ने स्विफ्ट है, इसको धनतेरस को शायद 9 साल कंप्लीट हो गए मेरे हिसाब से, मतलब 8 है ना, हमने 2016 में ली थी ये गाड़ी हमारी धन्नो, और अब देख लो आप उसी हिसाब से जोड़ लेना। और ये रही हमारी स्कूटी, कल इन सबको इसको वॉशिंग करवा के लाएंगे, बढ़िया इसको नहलाएंगे एकदम मस्त, कल इसको भी वॉशिंग करवा के लाएंगे पूरी अच्छी तरह से, और इसकी भी। गाइस हमारी भाभी कर रही है एक आर्ट, एक कला जो कि भाभी ने पिछली दिवाली की थी, बट अब कुछ थोड़ा हटके कर रही है, उससे चीज वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया अभी, थोड़ा क्या पूरा चेंज कर रही है, अब वो कल देखने को मिलेगा, वो कल देखने को मिलेगा, थोड़ा अभी दिखा देते हैं आपको कलर शलर। अभी भाभी ने बनाना स्टार्ट कर दिया है, बाकी फाइनल इसको सजा सजो के लगा लूँ, क्या आपको कल दिखाएंगे। और इस देखो इस बंदर को, इस बंदर को यार पटाखे भी चलाने और पटाखे से डर भी लगता है भाभी, क्या सिस्टम है इसका? ऐसे बोलता है अभी मैं अभी अभी बंदूक चला दी बहुत जोर से रहा है। यशु पटाखे से डर लगता है तेरे को? हाँ। कितना डर लगता है? नहीं फिर पटाखे नहीं चलाएगा? हाँ। दिवाली पटाखे नहीं चलाए? हाँ। चल ठीक है फिर, मैं आ गया हूँ बाहर। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 10 से भी ऊपर हो चुका टाइम, और अभी मैं खड़ी कर रहा हूँ गाड़ी और स्कूटी। आजकल क्या गाड़ी और स्कूटी खड़ी करने की ड्यूटी मेरे को मिल चुकी है, तो गाड़ी खड़ी है इसको अंदर पार्क करते हैं, और इस स्कूटी को थोड़ा पीछे करते हैं। बस फाइनली गाड़ी पार्क, स्कूटी पार्क, और गाइस
सो गाइस आज आपको पूरे ब्लॉग के अंदर हमारे घर की मालकिन नहीं दिखी होगी, मालकिन ये रही। मालकिन क्या काम कर रही है? मालकिन गाइस कल दिवाली है तो कल लक्ष्मी जी के लिए भोग के लिए बना रही है, घर पे मावा बना रही है। वैसे तो हम बहुत सारी मिठाई ले आए, हमारे कम से कम मैंने 7-8 किलो मिठाई बढ़ी है लाई हुई, पर भाजी अलग से बना रही है घर पे, घर के दूध का है ना तो बना रही है भाजी यहाँ पे। और आज हमने लगवाए नए सोफे कवर, वो ये देखो गाइस कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ये हमारे नए सोफे कवर है, ओ ये देख लीजिए एकदम बहुत मस्त प्यारे लग रहे हैं ना, आज ही लगवाए हैं ये सोफे कवर। और ऊपर वाले सोफे के ऐसे कवर लगवाए हैं ऐसे, वो आपको कल दिखाऊंगा मैं अभी कल, तो ऊपर वाले सोफे कवर मैं आपको कल दिखाऊंगा, नीचे वाले के मैंने आपको दिखा दिए हैं देखो। और एक चीज तो दिखाई नहीं अपने ब्लॉग के अंदर, ये देखो हमारी रसोई के अंदर नई टाइलें लगवा ली है भाजी। नई टाइल कब लगवाए? तब जिस सफाई करेगा गाइस, हमने पूरी रसोई के अंदर नई टाइल लगवा ली, देख लो